आप देख रहे हैं वसई सत्ता एक निष्पक्ष आवाज। मैं मनीषा पाठक वसई सत्ता में आपका स्वागत करती हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं चुनाव की। जब भी चुनाव आते हैं उससे पहले वोटर लिस्ट को लेकर नए नए विवाद शुरू हो जाते हैं। यादी में नए नाम जोड़े जाते हैं, कुछ नाम गायब हो जाते हैं और किसी और के नाम किसी और वार्ड में किसी और के किसी और वार्ड में होते हैं। विपक्ष का मानना है कि जो लोग सत्ता में हैं वो लोग ये धांधली करते हैं वोटर लिस्ट को लेकर। वो अपने सपोर्टर अपने वार्ड में रखते हैं और जो उनके सपोर्टर नहीं है उसे वो किसी और वार्ड में भेज देते हैं। इस पर हमने शिवसेना के उप तालुका प्रमुख अनिल चौहान से और आम आदमी पार्टी के सुशील द्विवेदी जी से बातचीत की। सर, चारों तरफ जो है वसई विरार में इलेक्शन की तैयारी चल रही है। सभी पार्टी सभी पक्ष अपने अपने लेवल पर तैयारी कर रहे हैं। जो यादी आई है उसमें बहुत ही घालमेल बताया जा रहा है, सभी बता रहे हैं, लेकिन क्या वो जो गलतियां उसमें हुई हैं या की गई हैं, जबरदस्ती की गई हैं, तो उसके लिए आपने क्या कदम उठाया? ये गलतियाँ जबरदस्ती नहीं है, जानबूझकर की गई गलतियाँ हैं और इसी ट्रिक को यूज़ करके बहुजन विकास आघाड़ी 100 से ज़्यादा अपने नगर सेवक चुन के लाई है पिछली बार भी और उसके पहले भी करते आई है। देखना ये है कि हर साल हर बार इलेक्शन के टाइम पे यही प्रॉब्लम होता है कि यादी का हेरफेर, मतलब अपने जो वोटर्स है उसको हेरफेर करो, मतलब जो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है जिस वार्ड में, जो अदर पार्टी का बहुजन विकास आघाड़ी छोड़ के अदर पार्टी का कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है तो उसको हराने के लिए यही आजमाया जाता है कि उसके वोटर्स बाहर निकल के फेंक दो तो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर असर होगा। ये हर इलेक्शन में बहुजन विकास आघाड़ी करते आई है और इसी दम पे वो जीतते आई है। अभी मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सारे अभी हरकत लेने का, मतलब जो ऑब्जेक्शन लेने का काम चल रहा है, बट ऑब्जेक्शन लेने के बाद भी ये फिर से यादी वही होने वाली है और वही होती आई है। अभी कहना ये है कि अभी जो 115 वार्ड है, 115 वार्ड में ये क्या करते हैं, ठेका अभियंता, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट उनके जो कॉन्ट्रैक्टर ये इंजीनियर्स वगैरह कॉन्ट्रैक्ट पे रखे गए हैं, ये महानगर पालिका के, ये उन्हीं के नगर सेवकों के साथ संगत मत करके उनके नगर सेवक इनके साथ बैठ के वो यादी बनाते हैं और यादी फोड़ते हैं और उसका खामियाजा हमारे जैसे कैंडिडेट को, जो नए कैंडिडेट है जिनके पास पॉलिटिकल ये विल नहीं है या पॉलिटिकल स्ट्रांग नहीं है, यहाँ पे हम लोग जैसे शिवसेना है, शिवसेना के 5 नगर सेवक है, बाकी के नगर सेवक बहुजन विकास आघाड़ी के, तो ये 5 नगर सेवक 109 नगर सेवक के ऊपर भारी नहीं पड़ते, तो 109 नगर सेवक मिलके ये पूरे यादी का काम ठेका के साथ, ठेका जो अभियंता है उसके साथ मिलके करते, तो इसी वजह से ये सारे जो अदर्स पार्टी के कैंडिडेट हैं उनके ऊपर असर पड़ेगा। तो आज लास्ट दिन था जैसा कि ऑब्जेक्शन लेने का, तो आपने भी लिया ऑब्जेक्शन इस पर? नहीं, बिल्कुल ऑब्जेक्शन हमने लिए हैं, बट आपको क्या है यहाँ पे सारी यादियाँ देखनी पड़ती है, मतलब अभी मैंने अगर 87 की बात करूँ तो 87 से लग के जितने भी 10 वार्ड है उस 10 वार्ड में अपने कौन सा वोटर गया है, किस वोटर को डाला है, वो चेक करना पड़ता है और वो चेक करना वो बहुत ही मुश्किल काम होता है, तो उसके वजह से जितने हमको मिले उतना हमने ऑब्जेक्शन लिया, बाकी के हमें मिले भी नहीं है। हमारे वार्ड के कई सारे वोटर्स कहाँ डाल दिए गए हमें खुद को पता नहीं, मेरे खुद के घर के वोटर्स यहाँ हुआ है, मेरे दोस्तों के वोटिंग यहाँ हुआ है, तो ये हमेशा होता है और ये करते आए और इसी वजह से बहुजन विकास आघाड़ी जीतते आई। तो अगर आप बोल रहे हैं कि फिर वैसे ही यादी आ जाती है, तो इस मतलब इसका आप क्लियर कट कह रहे हैं कि फिर से बहुजन विकास आघाड़ी आएगी? बहुजन विकास आघाड़ी इस बार तो नहीं आएगी क्योंकि टक्कर तो हमारी मजबूत देने वाले हैं उन्हें, और जो पहले से करते आए हैं ठीक है, वोटर्स यहाँ वहाँ कराओ आप, लेकिन वोटर्स के पास जाके जो वोटर्स आप डाल रहे हो उस वोटर्स को ढूंढ ढूंढ के हम कन्विंस करने वाले हैं कि जो 25 साल में इन्होंने जो सत्यानाश वसई विरार का किया हुआ है, आप यही सत्यानाश चाहते हो तो बहुजन विकास आघाड़ी को चुनो। अगर आपको डेवलपमेंट चाहिए, आपको उद्धव साहब का नेतृत्व चाहिए, तो आपको इस बार शिवसेना का भगवा वसई विरार में फहराना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे शिवसेना के 87 वार्ड से आप प्रबल दावेदारी रखते हैं? 87 वार्ड है, हम कोशिश करेंगे 87 वार्ड में लड़ने की और पूरी तरह से जोर से टक्कर दे के जीतने की, तो शिवसेना का उम्मीदवार करके मैं आना चाहता हूँ 87 से और उम्मीद है कि मैं ही 87 में रहूँगा। तो किन से मुकाबला मानते हैं आप? अभी तक तो इसे ठोस नाम नहीं है कि कौन से, चर्चाएं चल रही हैं, चर्चाएं चल रही है, लेकिन ठीक है, तो जो भी नगर सेवक वहाँ पे आते हैं, जैसे कि अभी किरण गोयल का नाम चल रहा है या रुपेश यादव का नाम चल रहा है, ठीक है, इन्होंने 15-15 साल अपने टर्म्स वहाँ निभा लिए, बट डेवलपमेंट के नाम पे जीरो डेवलपमेंट इन्होंने वार्ड में किया है,
तो जनता देखेगी और हमारे लिए काफी आसान है क्योंकि पढ़ी लिखी जनता है, उनको समझ में आता है किसको चुनना है किसको नहीं चुनना है। अगर उनको 15 साल का जो उन्होंने वार्ड की जो वाट लगा बोले ना एक इसमें शब्द बोलते हैं वाट लगा दी, वैसे 15 साल में दोनों ने मिलकर अपने अपने वार्डों की वाट लगा दी है, तो जनता समझदार है, जनता समझेगी और नया उम्मीदवार है नया चेहरा है उसके हिसाब से पढ़ी लिखी जनता है समझ के ही वोट देगी। सर चुनावों की जो यादी अभी निकाली गई थी उसमें बहुत ही गड़बड़ियां हैं। एक्चुअली यादी हमने जब लिया यादी लेके हमने स्टडी किया कि इसमें क्या दिक्कतें हैं, तो काफ़ी सारे वार्ड्स की हमने यादी निकाले और समझने की कोशिश की क्योंकि पहली बार आम आदमी पार्टी यहाँ से लड़ रही है चुनाव, तो हमने समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या है ये यादी में। तो हमने देखा कि कई यादी में कई वोटर्स जो हैं जो एक जो एरिया डिमार्क किया गया है हर वार्ड का, वार्ड वाइज एरिया डिमार्क हुआ है, तो एरिया जिस एरिया का वोटर है उसका एड्रेस जिस एरिया में है उस एरिया में ना होकर उसका दूसरे वार्ड में उसका दूसरे यादी में उसका नाम है, तो ये काफ़ी जगह हुआ है, तो ये हमने पॉइंट आउट किया था। प्लस बहुत सारे वोटर्स हैं जिनका वोटर आईडी नहीं दिख रहा है यादी में, उनका वोटर आईडी नहीं दिख रहा है, तो रजिस्टर्ड वोटर है कि नहीं इस पर हमें शक था, तो वो हमने पॉइंट आउट किया है। प्लस कुछ वोटर्स हैं जिनका नाम दो दो बार आ रहा है कि यादी में दो दो बार आ रहा है, तो उनको दो बार उनका नाम क्यों आया है ये भी हमें थोड़ा गड़बड़ लगा, तो हमने ये सब पॉइंट आउट किया और हमने लेटर बनाया। एक तो ये बहुत ही एग्जॉस्टिव काम था जिसमें एक एक यादी में करीब आप समझ लीजिए 8,000-9,000 वोटर्स हैं, तो इतने सारे वोटर्स को स्कैन करना और उनसे उनकी क्या क्या एरर्स है वो समझना ये काफ़ी एक लंबा चौड़ा काम था, फिर भी हमने करके फाइनली एक हमने अपना जो कंप्लेंट्स है वो हमने जब लेटर बना के भेजा तो करीब 2:50 पे हमारा लड़का कल पहुंचा वहाँ पे ऑफिस में, पर 2:50 को उन्होंने बोला कि ऑफिस बंद हो गया है अभी नहीं लेंगे ये टाइम ख़त्म हो गया है। तो ये काफ़ी बड़े लेवल पे यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि ये गड़बड़ी चल रही है यहाँ पे ये वोटर लिस्ट के साथ मैनिपुलेशन करके, और जहाँ तक मुझे लगता है कि ये BBCMC के एम्प्लॉयज भी इसमें मिले हुए हैं और यहाँ की जो बड़ी पार्टी है जो सत्ता पिछले 30-40 साल से सत्ता में है उन्होंने पूरा सिस्टम अपना अडाप्ट कर लिया है समझ लिया है और इस सिस्टम को अपने तरीके से मैनिपुलेट करते हैं और इसको मैनिपुलेट करके अपने सत्ता में वापस आते हैं, तो ये हमें लगने लगा है। और खैर ठीक है अभी जो भी है अब जो यादी है उसके बेसिस पे हम अपने चुनाव का आगे का रणनीति बनाएंगे। इस वोटर लिस्ट के विवाद को लेकर हमने एक चुनाव अधिकारी से जानकारी ली तो पता चला हर बार यादी में नए नाम का एडिशन होकर आता है, जिस वार्ड में पहले से ही ज्यादा वोटर हो उसके नए वोटर्स को नजदीक के ही दूसरे वार्ड में भेज दिया जाता है जिसके वजह से ये विवाद उत्पन्न होता है। इस बार भी वोटर लिस्ट को लेकर यही विवाद उत्पन्न हुआ है। हमारी ये रिपोर्ट अगर अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।